भारतीय रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों से पता चलता है कि 1 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5 अरब डॉलर घटकर 588.314 अरब डॉलर हो गया है। पिछले सप्ताह में लगातार 3 सप्ताह की गिरावट के बाद भंडार 2.734 बिलियन डॉलर बढ़कर 593.23 बिलियन डॉलर हो गया है। वहीं RBI के आंकड़ों के अनुसार भारत की विदेशी मुद्रा संपत्ति, जो विदेश मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक है, वह 1 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान 4.47 अरब डॉलर घटकर ये 524.45 अरब डॉलर हो गई है। इसके अलावा सोने का भंडार 504 मिलियन डॉलर घटकर 40.422 बिलियन डॉलर हो गया है। विशेष आहरण अधिकार 77 मिलियन डॉलर गिरकर 18.133 बिलियन डॉलर हो गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ देश की आर्थिक स्थिति 44 मिलियन डॉलर बढ़कर ये 5.1 बिलियन डॉलर हो गई है। वहीं आपको बता दें कि 27 मई को समाप्त सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 3.9 बिलियन डॉलर बढ़कर 600 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। ये राहत भरी खबर तब आई थी जब ग्लोबल मार्केट में फ्यूल की कीमतें काफ़ी बढ़ी हैं। हालांकि उसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार अनिवार्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में आरक्षित के रूप में रखी गई संपत्ति है, जिसका इस्तेमाल आर्थिक संकट में किया जाता है। वहीं आमतौर पर इसका यूज एक्सचेंज दर का समर्थन करने और मौद्रिक नीति बनाने के लिए किया जाता है। भारत के मामले में विदेश मुद्रा भंडार में डॉलर, सोना और विशेष आहरण अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कोटा शामिल है। कुछ केंद्रीय बैंक अपने अमेरिकी डॉलर के भंडार के अलावा ब्रिटिश पाउंड, यूरो, चीनी युआन या जापानी येन को भी अपने भंडार में रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।